हेलो एवरीवन, आज हम लोग अपना सेट्स चैप्टर का एक्सरसाइज 1.1 का सॉल्यूशन देखेंगे हम लोग। तो एक्सरसाइज 1.1 का इंट्रो हमने पिछले वीडियो में कर लिया था, देख लिया था। उसमें कुछ डेफिनेशंस हमने देखे थे कि सेट किसको कहते हैं, सेट को डिनोट कैसे किया जाता है, उसके मेंबर्स को कैसे डिनोट करते हैं, अगर कोई नंबर या फिर एलिमेंट जो है वो किसी सेट से बिलोंग करता है तो उसको लिखने का तरीका क्या होता है हमारे पास, तो वो सारी चीज़ें हमने कर ली थी। अब आते हैं एक्सरसाइज 1.1 पे। ओके, तो विच ऑफ द फॉलोइंग आर सेट्स, हमें ये बताना है कि इसमें से कौन जो है वो सेट है। ठीक है, तो पहला है द कलेक्शन ऑफ ऑल द मंथ्स ऑफ अ ईयर बिगनिंग विद द लेटर जे। ठीक है, तो ये एक सेट होगा हमारे पास। ठीक है, क्योंकि कोई भी आइडेंटिफाई कर सकता है कि कौन कौन सा मंथ जो होगा, कौन कौन सा मंथ जो होगा वो इस सेट से आएगा। हमें पता है कि कौन कौन सा होगा हमारे पास, जनवरी होगा, ठीक है, जून होगा, और थर्ड वन कौन सा होगा, जुलाई होगा। तो कोई भी मतलब कि ऐसे अगर पूछा जाए कि जुलाई इस सेट में होगा क्या, तो हाँ कह देगा कि हाँ जुलाई जो होगा वो इस सेट में होगा। वैसे ही जून और जनवरी इस सेट में होगा क्या, तो हाँ होगा। तो ये मैथमेटिक्स में हमारा एक सेट बन जाएगा। मैथमेटिक्स में सेट कौन किसे कहते हैं हम लोग, जो कि वेल डिफाइंड हो। ठीक है, कलेक्शन एक कलेक्शन ही होगा बट वेल डिफाइंड होना चाहिए। अब अगला है हमारे पास द कलेक्शन ऑफ 10 मोस्ट टैलेंटेड राइटर्स ऑफ इंडिया। ठीक है, अब ये जो है हमारे पास वो ये जो होगा हमारे पास एक सेट नहीं होगा। रीज़न क्या है हमारे पास कि अगर मान लेते हैं कि हम पूछते हैं कि चेतन भगत ठीक है, वो जो है इस सेट से बिलोंग करेगा क्या, चेतन भगत इस सेट से बिलोंग करेगा क्या। ठीक है, तो कोई कह सकते कि हाँ करेगा भी, कोई कह सकता है कि हाँ नहीं भी करेगा, कोई कह सकता है कि हाँ करेगा भी, कोई कह सकता है कि नहीं भी करेगा, क्योंकि किसी के हिसाब से टैलेंटेड हो सकता है वो, किसी के हिसाब से वो बिल्कुल भी टैलेंटेड नहीं है। ठीक है, तो ये जो है वो पर्सन टू पर्सन वैरी करेगा। ठीक है, तो ये हमारे पास एक सेट नहीं होगा। अगला है हमारे पास द टीम ऑफ 11 बेस्ट क्रिकेट बैट्समैन ऑफ द वर्ल्ड। अगेन ये भी हमारे पास एक सेट नहीं हो सकता है। ठीक है, क्यों, जैसे मान लेते हैं कि हम कहते हैं कि कैलिस जो है, जैक्स कैलिस जो है, ठीक है, वो जो है इस सेट में आएगा, वो इस सेट में आएगा, यानी कि बेस्ट क्रिकेट बैट्समैन है वो। ठीक है, बट किसी ने कहा कि नहीं ये नहीं है, उसके हिसाब से ये उतना अच्छा बैट्समैन नहीं था, तो वो क्या करेगा, वो इसको सेट में नहीं रखेगा, वो इसको इस सेट में नहीं रखेगा। तो अगेन ये क्या करेगा, इसका आंसर जो होगा हमारे पास वो भी पर्सन टू पर्सन वेरी करेगा, तो ये भी हमारे पास एक सेट नहीं हो सकता है। ठीक है, द कलेक्शन ऑफ ऑल बॉयज़ इन योर क्लास। ठीक है, ये आपके क्लास के बॉयज़ की बात की जा रही है। ठीक है, तो ये एक सेट हो जाएगा। रीज़न क्या है इसके सेट होने का, कि हम किसी भी मान लेते हैं कि आपके किसी भी क्लास के स्टूडेंट का नाम लेते हैं। ठीक है, जैसे रॉकी मान लेते हैं कि कोई लड़का है, ठीक है, जो कि आपसे मतलब आपके क्लास में ये पढ़ता है कि नहीं पढ़ता है आप आराम से बता सकते हो। ठीक है, यानी कि ये एलिमेंट जो है वो इस सेट से बिलोंग करेगा कि नहीं करेगा आप बता सकते हो। ठीक है, यानी कि ये वेल डिफाइंड है हमारे आपके पास, कि आपके क्लास के जो बच्चे हैं, आपके क्लास के जो बॉयज़ हैं, आपको पता है कि कौन कौन है। तो रॉकी उसमें रहेगा कि नहीं रहे, है कि नहीं है, उस सेट से बिलोंग करता है कि नहीं करता है, ये आप इजीली बता सकते हो। ठीक है, तो ये भी हमारे पास क्या हो जाएगा, एक सेट हो जाएगा। द कलेक्शन ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स लेस देन 100। ठीक है, तो ये डेफिनेटली हमारे पास एक सेट होगा। क्यों होगा हमारे पास, क्योंकि कोई भी कहे नंबर अगर दे दिया जाए तो हम बता सकते हैं कहाँ से कहाँ तक आ जाएगा हमारे पास, 1 से लेके 99 तक काउंटिंग नंबर्स नेचुरल नंबर्स होते हैं हमारे पास, तो 1 से लेके 99 तक तो कोई भी बता सकते हैं। जैसे 99 पूछा कि 99 जो होगा वो इस सेट से बिलोंग करेगा क्या, तो हम कह सकते हैं कि हाँ 99 जो है वो इस सेट से बिलोंग करेगा। 55 बिलोंग करेगा क्या इस सेट से, तो हाँ करेगा, इस सेट से बिलोंग करेगा। ठीक है, तो ये भी हमारे पास अगेन वेल डिफाइंड है, इसलिए ये भी हमारे पास एक सेट हो जाएगा। ठीक है, अब मान लेते हैं अगला है हमारे पास 6th अ कलेक्शन ऑफ नॉवेल्स रिटन बाय द राइटर मुंशी प्रेमचंद। ठीक है, तो अगेन ये भी हमारे पास एक सेट होगा। क्यों, क्योंकि कोई भी अगर बुक दिया जाए, ठीक है, जैसे हम मान लेते हैं कि हम आपसे कहते हैं कि रिवॉल्यूशन 2020 इससे बिलोंग करेगा क्या, तो डेफिनेटली हमें पता है कि रिवॉल्यूशन 2020 तो चेतन भगत का एक बुक है। बहुत सारे लोगों को पता होगा कि रिवॉल्यूशन 2020 जो है वो चेतन भगत का एक बुक है, तो वो इस सेट से बिलोंग नहीं करेगा। तो हम ईजिली बता सकते हैं कि कौन सा इसमें आएगा, कौन सा इसमें आएगा और कौन सा नहीं होगा। जैसे हैरी पॉटर का जो भी बुक है उसको ले लेते हैं, हैरी पॉटर के बुक्स को। ठीक है, अब हैरी पॉटर्स के बुक जो हैं वो इसमें आएंगे क्या, तो डेफिनेटली नहीं आएंगे। कोई भी बता सकता है कि नहीं हैरी पॉटर का बुक कम से कम मुंशी प्रेमचंद तो नहीं लिखा था।
ये तो कोई भी बता सकता है कि मुंशी प्रेमचंद ने एटलीस्ट हैरी पॉटर का जो बुक है वो तो नहीं लिखा था, किसी और ने ही लिखा था। तो हम किसी भी बुक को देख के बता सकते हैं कि हाँ वो इस सेट से बिलोंग करेगा कि नहीं करेगा। तो क्या है ये? वेल डिफाइंड है। अब वेल डिफाइंड है तो ये क्या हो जाएगा, हमारे पास एक सेट हो जाएगा, ठीक है। जैसे मान लेते हैं कि गबन दिया, गबन दिया, ठीक है, चाहे गोदान दिया, तो गबन और गोदान ये जो है ये इस सेट से बिलोंग करेंगे, क्योंकि गबन और गोदान दोनों को मुंशी प्रेमचंद जी ने लिखा है। ओके, अगला आते हैं द कलेक्शन ऑफ ऑल इवन इंटीजर्स। ऑल इवन इंटीजर्स का कलेक्शन, तो इवन इंटीजर्स कौन कौन से हो जाएंगे हमारे पास, जैसे 2 हो गया, 4 हो गया, 6 हो गया, 8 हो गया, 10 हो गया, इस तरीके से इन्फिनिटी तक इधर चला जाएगा, इधर माइनस के टाइम में भी चला जाएगा हमारे पास। तो अगेन किसी नंबर को उठाया और पूछा कि इससे बिलोंग करेगा क्या, तो हम बता सकते हैं कि हाँ उससे करेगा कि नहीं करेगा। जैसे रूट थ्री के बारे में पूछा कि रूट थ्री जो है वो इससे बिलोंग करेगा क्या, तो नहीं करेगा, क्योंकि ये जो कलेक्शन है वो वेल डिफाइंड है कि वो क्या है, इवन इंटीजर्स है, और ये जो है हमारे पास ये तो एक इरेशनल नंबर है, ये तो इंटीजर भी नहीं है, ठीक है, तो इवन की तो बात ही दूर है, तो ये जो है इससे बिलोंग नहीं करेगा हमारे पास। अब मान लेते हैं जैसे 8 के बारे में पूछा कि 8 बिलोंग करेगा क्या, तो हाँ करेगा। 1000 के बारे में पूछा कि 1000 करेगा क्या, तो हाँ करेगा, क्योंकि ये वेल डिफाइंड है हमारे पास। तो ऐसे कलेक्शन को हम लोग सेट कह सकते हैं। तो ये भी हमारे पास एक सेट हो जाएगा, ये भी सेट हो गया हमारे पास, ये सेट नहीं हुआ, ये भी सेट नहीं होगा, ये सेट हो जाएगा, ये सेट हो जाएगा, और ये भी सेट हो जाएगा। अगले पे आते हैं। अगला हमारे पास द कलेक्शन ऑफ क्वेश्चंस इन दिस चैप्टर, ठीक है। अब किसी भी क्वेश्चन को, जैसे ये क्वेश्चन उठाया हमने, ये क्वेश्चन उठाया और पूछा कि क्या ये इस सेट से बिलोंग करेगा, इस कलेक्शन से बिलोंग करेगा, तो हाँ आप कह दोगे कि हाँ करेगा, ये जो है इस कलेक्शन से बिलोंग करेगा। ओके, तो ये भी हमारे पास क्या हो जाएगा, सेट हो जाएगा। अगेन ये जो है हमारे पास क्या है, डिफाइंड है, ठीक है। अब मान लेते हैं कि हम अगले वाले चैप्टर रिलेशन एंड फंक्शन का कोई क्वेश्चन उठा के और पूछते हैं कि वो इससे बिलोंग करेगा क्या, तो हम सीधा सीधा कह सकते हैं कि हाँ नहीं करेगा वो। तो हमारा हाँ या ना में आंसर अगर आता है, हाँ या ना में आंसर अगर आता है कि ये बिलोंग करेगा या नहीं करेगा, ठीक है, तो मतलब जिसके बारे में श्योर हैं हम लोग, श्योर हैं कि हाँ ये एलिमेंट जो है इस सेट से बिलोंग करेगा या नहीं करेगा, तो उसको हम लोग एक तरह से वेल डिफाइंड कह सकते हैं, ठीक है। वेल डिफाइंड का एक डेफिनेशन हम लोग इस तरीके से भी दे सकते हैं समझने के लिए, कि अगर हम फॉर श्योर कह पाएँ, किसी भी एलिमेंट को उठाया और पूछा कि ये जो है इस सेट से बिलोंग करेगा क्या, तो अगर हाँ और ना इस तरीके से हम श्योर बता सकें तो हो जाएगा हमारे पास, वो सेट हो जाएगा। अ कलेक्शन ऑफ मोस्ट डेंजरस एनिमल्स ऑफ द वर्ल्ड, नहीं होगा ये हमारे पास, ठीक है। जैसे मान लेते हैं कि कोई भी एक ले लेते हैं, डॉग ही ले लेते हैं, ठीक है, डॉग को ले लिया, ठीक है। अब डॉग जो है वो इससे बिलोंग करेगा क्या हमारे पास, तो किसी के लिए ये बिलोंग कर भी सकता है, किसी के लिए ये बिलोंग नहीं भी कर सकता है, ठीक है, क्योंकि किसी को कुत्ते से डर भी लगता है और किसी को कुत्ते से बहुत प्यार भी होता है, तो ये बिलोंग कर भी सकता है और नहीं भी कर सकता है, ठीक है। तो हाँ और ना दोनों में आंसर आ रहा है हमारे पास, तो ये जो होगा इस सेट से, मतलब इससे बिलोंग कर भी सकता है और नहीं भी कर सकता है, अगेन ये पर्सन टू पर्सन वेरी करेगा, तो ये जो है हमारे पास एक सेट नहीं होगा। ओके, तो ये पहले क्वेश्चंस के आंसर हो गए हमारे पास। आते हैं अगले वाले पे। अब अगला कह रहा है हमारे पास कि हमें ये बताना है कि ये एप्सिलॉन यानी कि बिलोंग्स टू और डज नॉट बिलोंग्स टू, इसका साइन हमें लगाना है कि कौन सा एलिमेंट जो है इस सेट से बिलोंग करेगा और कौन सा एलिमेंट जो है वो इस सेट से बिलोंग नहीं करेगा। जैसे इसमें एलिमेंट्स क्या क्या है हमारे पास, 1, 2, 3, 4, 5, 6 हैं, तो 5 जो है वो इस सेट से बिलोंग कर रहा है क्या, तो देखा कि 5 तो है यहाँ पे, तो 5 बिलोंग कर रहा है, तो हम लोग ये साइन लगा देंगे कि हाँ 5 जो है वो इससे बिलोंग कर रहा है। 8 इस सेट से बिलोंग कर रहा है क्या, तो 8 इस सेट में है नहीं, तो हम लोग क्या लिख देंगे, इस तरीके से बिलोंग्स टू लिख के और काट देंगे, यानी कि डज नॉट बिलोंग्स टू। 0 जो है इससे बिलोंग कर रहा है क्या, नहीं कर रहा है, तो 0 को भी इस तरीके से लिखा और फिर क्या किया, उसको काट दिया, क्योंकि 0 भी इस एलिमेंट का मतलब इस सेट का एक एलिमेंट नहीं है हमारे पास। 4 है क्या, हाँ डेफिनेटली 4 है, 4 यहाँ पे दिख रहा है हमें, तो 4 है तो बिलोंग्स टू। 2 है क्या, हाँ 2 भी है, तो 2 बिलोंग्स टू। 10 है क्या, नहीं है, 10 नहीं है, क्योंकि 1, 2, 3, 4, 5, 6 6 ही नंबर्स हैं हमारे पास, तो यहाँ पे इसको भी लिख देंगे क्या, डज नॉट बिलोंग्स टू। इसको क्या कहते हैं हम लोग, इसको कहते हैं बिलोंग्स टू, इसको कहते हैं हम लोग बिलोंग्स टू, ठीक है, और इसको हम लोग क्या पढ़ेंगे, डज नॉट बिलोंग्स टू, डज नॉट बिलोंग्स टू। अब ऐसा नहीं है कि इसका नाम होता है बिलोंग्स टू, नहीं, ये तो एप्सिलॉन कहलाता है, हम लोग सेट में इसका यूज़ करते हैं, क्या डिनोट करने के लिए, कि कोई एलिमेंट जो है किसी सेट से बिलोंग कर रहा है या नहीं कर रहा है। ओके, आते हैं अगला। राइट द फॉलोइंग सेट्स इन रोस्टर फॉर्म, रोस्टर फॉर्म कहो या फिर टेबुलर फॉर्म, रोस्टर फॉर्म कहा जाए या फिर टेबुलर फॉर्म कहा जाए,
उस फॉर्म में हमें क्या करना है, इसके एलिमेंट्स को लिखना है। जैसे पहला है हमारे पास x इज़ एन इंटीजर एंड x जो है माइनस थ्री से बड़ा है बट सेवन से क्या है, छोटा है। x जो है हमारे पास वो माइनस थ्री से बड़ा है बट क्या है, सेवन से छोटा है। तो इंटीजर, पहली चीज़ कि x जो है वो किससे बिलोंग कर रहा है, इंटीजर से बिलोंग कर रहा है। तो माइनस थ्री से बड़ा इंटीजर से लेना शुरू करें तो ऐसे आएगा हमारे पास, ये माइनस थ्री हुआ, माइनस थ्री से बड़ा इंटीजर माइनस टू, माइनस वन, ज़ीरो, वन, टू, थ्री, फोर, फाइव, सिक्स, ठीक है। अब सेवन पे इक्वलिटी है नहीं हमारे पास, यहाँ से इसने क्या बोला है कि सेवन से छोटा इंटीजर चाहिए और माइनस थ्री से बड़ा इंटीजर चाहिए। तो सेवन से छोटा इंटीजर ये होगा हमारे पास, और माइनस थ्री से बड़ा इंटीजर जस्ट बड़ा वाला ये होगा हमारे पास। तो कौन कौन से एलिमेंट्स आ जाएंगे यहाँ से उठ के और यहाँ तक, यानी कि इस सेट में जो भी सेट है हमारे पास, सेट का नाम उसने क्या दे के रखा है, ए दे के रखा है। तो ए सेट में जो एलिमेंट्स होंगे वो कौन कौन से आ जाएंगे, माइनस टू आ जाएगा, माइनस वन आ जाएगा, ज़ीरो आ जाएगा, वन आ जाएगा, टू आ जाएगा, थ्री आ जाएगा, फोर आ जाएगा, फाइव आ जाएगा, सिक्स आ जाएगा। ये सारे एलिमेंट्स जो हैं ये हमारे पास पहले वाले सेट में आ जाएंगे। उसके बाद बात करते हैं एक्स इज ए नेचुरल नंबर लेस देन सिक्स, ये हमारे पास किस पे लिखा हुआ है, ये सेट बिल्डर फॉर्म लिखा हुआ है, या फिर इसको हम लोग कौन से फॉर्म कहते हैं, प्रॉपर्टी फॉर्म कहते हैं, या फिर इसको सेट बिल्डर फॉर्म कहते हैं, और हमें इसको क्या करना है, रोस्टर फॉर्म या फिर टेबुलर फॉर्म में लिखना है। तो ये क्या कह रहा है, एक्स इज अ नेचुरल नंबर लेस देन सिक्स। नेचुरल नंबर को हम लोग दूसरा क्या कहते हैं, काउंटिंग नंबर्स, ठीक है, लेस देन सिक्स। तो काउंटिंग नंबर्स, काउंटिंग स्टार्ट कहाँ से करते हैं, हम लोग वन से स्टार्ट करते हैं, क्योंकि हम लोग किसी चीज़ को ऐसे काउंट थोड़ी कर सकते हैं, माइनस वन, माइनस टू काउंट थोड़ी कर सकते हैं, काउंटिंग तो हम लोग वन से ही स्टार्ट करेंगे ना, तो इसलिए हम इसको काउंटिंग नंबर्स भी कहते हैं, किसको, नेचुरल नंबर्स को। फाइव हो गया, सिक्स हो गया, बट उसने क्या बोला है कि हमें क्या चाहिए, लेस देन सिक्स चाहिए, सिक्स से छोटा चाहिए। तो सिक्स से छोटा हमारे पास कौन कौन से हैं, सिक्स से छोटा नेचुरल नंबर जो है वो ये हो गया हमारे पास। तो बी सेट में एलिमेंट्स क्या क्या आ जाएंगे हमारे पास, बी सेट में वन, टू, थ्री, फोर और फाइव, ये पांच एलिमेंट्स हमारे पास आ जाएंगे। ओके, थर्ड पे आते हैं, थर्ड क्या कह रहा है हमारे पास, एक्स इज अ टू डिजिट नेचुरल नंबर सच डैट द सम ऑफ इट्स डिजिट इज एट। एक्स सच डैट, एक्स इज अ टू डिजिट नेचुरल नंबर, दो डिजिट नेचुरल नंबर है, ठीक है, कुछ इस तरीके से एक्स वाई है, सच डैट एक्स प्लस वाई जो होना चाहिए वो किसके बराबर होना चाहिए हमारे पास, एट के बराबर होना चाहिए। तो देखते हैं कि कौन कौन सा आ जाएगा, जैसे मान लेते हैं कि हमने वन लिया, इसको सेवन ले लिया तो एट हो जाएगा, तो इसका जस्ट उल्टा वाला भी हो जाएगा, 71 भी हो जाएगा हमारे पास। फिर अगर टू और सिक्स लिया तो भी हमारे पास दोनों का सम जो है वो एट हो जाएगा, और इसको अगर उल्टा ले लिया सिक्स टू तो भी हमारे पास एट हो जाएगा। अगर थ्री और फाइव लिया, ठीक है, तो ये भी हो जाएगा एट, और फाइव और थ्री जस्ट इसका उल्टा लिया तो भी हो जाएगा हमारे पास। अब एट और जीरो लिया तो भी हो जाएगा, और जीरो और एट लिया तो भी हो जाएगा, बट जीरो और एट जो है वो एक सिंगल डिजिट का नंबर हो गया, ठीक है। अब ऐसा नहीं है कि चार डिजिट का नंबर लिखना है तो हम इसको ऐसे ऐसे करके ऐसे लिख दें, ठीक है, ये हमें पता है कि इसका कोई वैल्यू नहीं है, ठीक है, ये एक सिंगल डिजिट ही नंबर है हमारे पास। तो ये वाला जो होगा हमारे पास नहीं आएगा, तो आया कौन, 1771। तो सी सेट में कौन कौन से एलिमेंट्स आ जाएंगे हमारे पास, 1771, 26, 62, 35, 53, 80, ठीक है, ये सारे एलिमेंट्स आ जाएंगे हमारे पास सी सेट में। आते हैं अगले क्वेश्चन पे, अगला कह रहा है एक्स इज अ प्राइम नंबर विच इज डिवीजर ऑफ 60 के डिवीजर्स को हमें लिखना है। तो एक काम करते हैं, पहले 60 के डिवीजर्स को लिख लेते हैं, 60 के डिवीजर्स को लिख लेते हैं। तो पहले इसको फैक्टराइज़ कर लेते हैं, तो फैक्टराइज़ करेंगे तो 2 इंटू 30 को फिर से किया तो 2 इंटू 15, फिर से फर्दर किया तो 2 इंटू 3 इंटू 5, ठीक है। तो इसके डिवीजर्स कौन कौन से हुए, 2 हुआ, 3 हुआ और 5 हुआ, ठीक है। अब अगर हमें सेट में लिखना है, सेट में लिखना है तो देखो एक्चुअली 2 2 2 2 बार आ रहा है हमारे पास, बट है क्या कि हम लोग सेट में नंबर्स को रिपीट नहीं करते हैं, किसी भी एलिमेंट को रिपीट नहीं करते हैं, कौन सा एलिमेंट है उसको लिखते हैं, कौन सा एलिमेंट कितनी बार है उससे हमें कोई लेना देना नहीं होता है। तो कौन कौन से एलिमेंट आ जाएंगे, सिर्फ 2, 3 और 5। अच्छा एक मिनट, एक्स इज अ प्राइम नंबर, ठीक है। अब देखो यहाँ से वन जो है वो भी इसका एक डिवीज़र है, बट वन को ना तो हम लोग प्राइम कहते हैं ना कंपोजिट कहते हैं, वन इज़ नीदर प्राइम नोर कंपोजिट, तो वो हमारे पास इसमें नहीं आएगा,
तो हमारे पास यहाँ पे कौन कौन से एलिमेंट्स हो जाएंगे, 2, 3 एंड 5। फिफ्थ क्वेश्चन पे आते होंगे, फिफ्थ वन क्या कह रहा है हमारे पास, द सेट ऑफ ऑल लेटर्स इन द वर्ड ट्रिगोनोमेट्री। ट्रिगोनोमेट्री तो TRIGONOMETRY, ट्रिगोनोमेट्री हो गया हमारे पास। तो इसके एलिमेंट्स को लिखते हैं हम लोग, ठीक है, कौन कौन सा है, तो टी है, टी लिख दिया, आर लिख दिया, फिर आई लिख दिया, फिर उसके बाद जी लिख दिया, फिर उसके बाद ओ लिख दिया, फिर एन लिख दिया, फिर ओ, ओ एक बार लिख चुके हैं तो अब इसको नहीं लिखेंगे हम, एम लिखते हैं, एम लिखते हैं, फिर ई, ठीक है, फिर टी, टी पहले लिख चुके हैं तो अगेन इसको नहीं लिखेंगे हम लोग, आर भी लिख चुके हैं पहले तो नहीं लिखेंगे, तो बचा क्या हमारे पास, वाई, ये हो जाएगा हमारे पास ट्रिग्नोमेट्री। ठीक है, सिक्स्थ वन, सेट नंबर सिक्स की बात कर लेते हैं, क्या कह रहा है, द सेट ऑफ ऑल लेटर्स इन द वर्ल्ड बेटर। बेटर में, ठीक है, किस में कह रहा है, बेटर में, ठीक है, तो एफ सेट को लिख लेते हैं, क्या क्या आएगा एफ सेट में, एफ सेट में आ जाएगा हमारे पास बी, ई, टी, एक टी लिख दिया तो इसको लिखने की ज़रूरत नहीं है, अब ई वापस से नहीं लिखेंगे क्योंकि पहले से लिख चुके हैं हम लोग, और फिर क्या बच जाएगा हमारे पास, आर बच जाएगा, ठीक है, तो बी ई टी आर, ओके। तो हमारा थर्ड क्वेश्चन हो गया, अब अगले पे आते हैं फोर्थ क्वेश्चन पे, और क्या कह रहा है, अब किस सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना है, यानी कि ये कौन सा फॉर्म में दिया हुआ है, यहाँ पे ये थोड़ा सा कैलकुलेट ये है, मिसप्रिंटिंग है, ये कौन से फॉर्म में दिया हुआ है हमारे पास, ये दिया हुआ है रोस्टर फॉर्म, रोस्टर फॉर्म, और जिसको हम लोग वापस इसको और क्या बोलते हैं, टेबुलर फॉर्म बोलते हैं। तो रोस्टर फॉर्म और टेबुलर फॉर्म में हमारे पास दिया हुआ है, हमें क्या करना है, इसको सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना है। तो देखते हैं सेट बिल्डर फॉर्म में हमें क्या करना होता है, हमें उसके प्रॉपर्टी को लिखना होता है जो उसके एलिमेंट्स पोज कर रहे हैं, ठीक है। तो क्या क्या है हमारे पास, 3, 6, 9, 12, तो अगर ध्यान दिया जाए तो पहला 3 × 1 है, दूसरा 3 × 2 है, तीसरा 3 × 3 है, और चौथा जो है वो क्या है, 3 × 4 है हमारे पास। तो हम इसको ऐसे लिख देते हैं, हम इसको ऐसे लिख देते हैं कि जो हमारा सेट है, सेट जो भी है, ठीक है, उसको इस तरीके से लिख देते हैं, एक्स सच डैट एक्स इज इक्वल टू क्या है, 3n के बराबर है, 3n के बराबर है, जहाँ पे कि n जो है वो हमारा नेचुरल नंबर है। अब यहाँ से अगर कोई ये कहे कि बस इससे काम चल जाएगा, या फिर मान लेते हैं कि किसी ने क्या किया कि सिर्फ ये बोल दिया कि n का वैल्यू जो है वो कहाँ से कहाँ तक जा रहा है हमारे पास, n का जो वैल्यू है वो 1 से लेके और 4 तक जा रहा है, और उसी उसने यहीं पे इसका काम ख़त्म कर दिया, ठीक है। तो अब यहाँ से ना ये गलत है, रीज़न क्या है कि n के बारे में कोई जानकारी नहीं है ना, n के बारे में हमें कोई जानकारी नहीं है कि 1 से लेके 4 तक, यहाँ पे हमने कुछ इसके बारे में तो डिटेल्स में बताया नहीं है कि n क्या है। तो n का वैल्यू तो कुछ भी लिया जा सकता है, फिर 1 से लेके 4 के बीच में 1.5 लिया जा सकता है, 1.2 लिया जा सकता है, 1.8 लिया जा सकता है, 2.1 लिया जा सकता है, 2.01 लिया जा सकता है, 0.01 लिया जा सकता है, तो बहुत सारे नंबर आ जाएंगे। तो हमें इसको डिफाइन बताना होगा कि ये n क्या है हमारे पास। तो हम लोग को इसको बताने के लिए हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, हम लोग यहाँ पे लिख देंगे कि हमारा जो n है वो किससे, नेचुरल नंबर से बिलोंग कर रहा है। ये किससे बिलोंग कर रहा है हमारे पास, नेचुरल नंबर से बिलोंग कर रहा है। तो x सच डैट x इज इक्वल टू 3n, जहाँ पे कि n जो है हमारे पास वो 1 से लेके 4 तक जा रहा है। तो इस तरीके से ये सारा कवर हो जाएगा, 1, 2, 3, 4 सारा कवर हो जाएगा। अच्छा, अगर कोई मान लेते हैं कि ऐसा लिखता है x की जगह पे y लिख देता है, y सच डैट y इज इक्वल टू 3n, y belongs to natural number and y जो है वो 1 से लेके और कहाँ तक, 4 तक जा रहा है हमारे पास, इस तरीके से लिख दिया, ठीक है, तो भी चल जाएगा, तो भी कोई दिक्कत नहीं है। हमने बोला था शुरू, पहले ही बताया था कि यहाँ पे कुछ भी ले सकते हैं हम लोग, ऐसा ज़रूरी नहीं है कि वहाँ पे x लिया जाए, वो बस उस एलिमेंट को रिप्रेजेंट करने के लिए दिया जा रहा है, ठीक है, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि हम लोग उसको x ही लिखें। अच्छा, इसको और भी तरीके से लिखा जा सकता है, जैसे मान लेते हैं किसी ने लिखा z सच दैट z इज इक्वल टू 3n, z बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, और उसने क्या बोला कि z जो है वो 0 से बड़ा है, 0 से बड़ा है बट 5 से छोटा है, 0 से बड़ा है बट 5 से छोटा है, इस तरीके से किसी ने लिखा, तो ये भी सही है क्योंकि नेचुरल नंबर जो है 0 और 5 के बीच में, ऐसे भी हमारे पास 1, 2, 3 और 4 ही आ सकता है, इसके अलावा तो और कोई आ नहीं सकता है। यहाँ पे देखो, यहाँ पे हमने क्या लिया था, इक्वलिटी ले लिया था, यहाँ पे हमने इक्वलिटी नहीं लगाया है, तो इक्वलिटी नहीं लगाओ तो भी ये जो है, ये जो है यहाँ से जो सेट
इसको देख के जो कोई सेट लिखेगा वो यही सेट आएगा हमारे पास, या फिर वो यही सेट आएगा। ओके, तो बहुत सारे तरीके होते हैं हमारे पास सेट बिल्डर फॉर्म में उसको लिखने के, सेट बिल्डर फॉर्म का कोई एक ही तरीका नहीं होता हमारे पास। ओके, सेकंड आते हैं हम लोग, सेकंड क्या है, 2, 4, 8, 16 एंड 32। ठीक है, तो अगर यहाँ से देखा जाए तो ये पहला 2 × 1 है, ठीक है, दूसरा 2 × 2 है, तीसरा 2 × 2 × 2 है, ठीक है, फिर हमारे पास 2 × 2 × 2 × 2 और फिर 5। तो इसका मतलब कि 2 to the power 1, 2 to the power 2, 2 to the power 3, 2 to the power 4 और 2 to the power 5, इस तरीके से जा रहा है हमारे पास। तो इसको हम लोग कैसे लिख लेंगे, सेकंड वाले पार्ट को कुछ इस तरीके से लिखेंगे, x सच डैट x इज इक्वल टू कितना, 2 to the power n, जहाँ पे कि n जो है हमारे पास वो नेचुरल नंबर को बिलोंग कर रहा है, और कहाँ से कहाँ तक जा रहा है तो उसके बारे में भी हमें बताना पड़ेगा, 1 से लेके कहाँ तक, 5 तक जा रहा है। तो हम लोग इस तरीके से लिखेंगे कि n जो है वो 1 से बड़ा या बराबर है और 5 से क्या है, छोटा है हमारे पास। ओके, थर्ड पर पे आते हैं, थर्ड पे, थर्ड क्या कह रहा है हमारे पास, थर्ड में 5, 25, 125 और 625। थोड़ा सा अगर कैलकुलेशन स्ट्रांग है तो 5 का ये स्क्वायर है, एक स्क्वायर है, एक 5 का क्यूब है और एक जो है वो 5 to the power 4 है। तो इसका मतलब कि ये तो ऐसा कुछ हो गया, तो ईजी हो गया ये, तो कैसे लिख लेंगे हम लोग, वाई सच डैट वाई इज़ इक्वल टू 5 to the power n, n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, और यहाँ पे अब की बार n जो है वो 1 से लेके कहाँ तक जा रहा है, 4 तक जा रहा है हमारे पास। 1 से लेके कहाँ तक जा रहा है, 4 तक जा रहा है। ओके, फिर शुरू होते हैं 2, 4, 6, 8, इस तरीके से होगा हमारे पास। तो इसको लिखते हैं फोर्थ वाले, फोर्थ में कैसे लिख दिया, x सच डैट x इज एन इवन नेचुरल नंबर लिखा जा सकता है, क्योंकि 2, 4, 6 और उसके बाद डॉट 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 है, डॉट 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 करने का मतलब ये है कि वो कंटिन्यू होते जाएगा हमारे पास। इसको और भी तरीके से लिख सकते हैं हम लोग, हम ऐसा लिख देते हैं, x सच डैट x इज इक्वल टू क्या, 2n, वेयर n बिलोंग्स टू n, नेचुरल नंबर को बिलोंग कर रहा है। तो यहाँ से ये भी सेम रिप्रेजेंट कर रहा है हमारे पास कि n में, किसी भी n में अगर 2 से मल्टीप्लाई कर दोगे, 2 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो आ जाएगा हमारे पास नेचुरल नंबर, और स्टार्ट कहाँ से हो रहा है हमारे पास, वो मतलब इनिशियल से स्टार्ट हो रहा है, n बिलोंग्स टू n अगर दे दिया तो सिर्फ फिर मतलब 1, 2, 3, 4, 5, 6 इस तरीके से हम लोग चलना शुरू करेंगे। यहाँ पे हमें कुछ लगाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अगर किसी से पूछा जाए कि नेचुरल नंबर तो स्टार्ट कहाँ से करेगा, 1, 2, 3 से स्टार्ट करेगा हमारे पास, ठीक है, तो उसमें सारे आ जाएंगे। जब 1 रखा तो कितना हो जाएगा, x का वैल्यू 2 आ जाएगा, 2 रखा तो 4 आ जाएगा, 3 रखा तो 6 आ जाएगा, 4 रखा तो 8 आ जाएगा, तो सेम ही आ जाएगा हमारे पास 2, 4, 6, 8 इस तरीके से। ये हमारे पास 1, 4, 9 और 100। अब यहाँ से देखा जाए तो ये 1 का स्क्वायर है, ये 2 का स्क्वायर है, ये 3 का स्क्वायर है और ये 10 का स्क्वायर है। तो इसको कैसे लिखा जा सकता है, यहाँ से लिख दिया x सच डैट x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारे पास, n का स्क्वायर, वेयर n जो है n बिलोंग्स टू कहाँ से कहाँ तक, 1 से लेके 10 तक, और जो n है वो बिलोंग किससे कर रहा है हमारे पास, नेचुरल नंबर से बिलोंग कर रहा है। x जो है वो n स्क्वायर के बराबर है और n जो है वो नेचुरल नंबर है, तो n का वैल्यू हम लोग यहाँ से कितना कितना ले लेंगे, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और 10, और इसका स्क्वायर जो है वो इस सेट का एलिमेंट है, तो वो सब आ जाएंगे हमारे पास। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, और लिस्ट ऑल द एलिमेंट्स ऑफ द फॉलोइंग सेट्स। अब हमें क्या करना है, एक सेट बिल्डर फॉर्म दिया हुआ है हमारे पास, सेट बिल्डर फॉर्म दिया हुआ है और हमें इसके सारे एलिमेंट्स को लिस्ट करना है कि कौन कौन से एलिमेंट्स आएंगे। तो शुरू हो जाते हैं फिर फिफ्थ क्वेश्चन, क्या कह रहा है हमारा पहला, x इज एन ऑड नेचुरल नंबर, x सच डेट x इज एन ऑड नेचुरल नंबर। तो बड़ा ईजी सा क्वेश्चन दिया हुआ है कि ए सेट जो है वो क्या है, ऑड नेचुरल नंबर्स का कलेक्शन, यानी कि 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13 एंड ... इस तरीके से कंटिन्यू चलते जाएगा हमारे पास, पहला क्वेश्चन। दूसरे पे आते हैं, दूसरा क्या कह रहा है हमारे पास, x इज एन इंटीजर जो कि माइनस हाफ से बड़ा है बट 9/2 से क्या है, छोटा है हमारे पास, माइनस हाफ से बड़ा है बट 9/2 से क्या है, छोटा है। तो इसको ले लिया यहाँ पे माइनस हाफ, इधर ले लिया 9/2।
अब इसके बीच के जितने सारे इंटीजर्स हैं उसको लिख देते हैं, तो माई इसका वैल्यू कितना होगा, इसका वैल्यू होगा 0.5 और इसका वैल्यू होगा 4.5। ठीक है, तो इसके बीच के जो इंटीजर्स होंगे इससे जस्ट बड़ा वाला जो इंटीजर होगा वो 0 होगा हमारे पास, फिर 1 होगा, फिर 2 होगा, फिर 3 होगा, फिर 4 होगा, और अगला जो होगा वो 5 इधर आ जाएगा हमारे पास। बट हमें क्या चाहिए, देखो इससे पहले माइनस बनाएगा, बट हमें क्या चाहिए, हमें इसके और इसके बीच के इंटीजर्स चाहिए। तो इंटीजर्स इसके बीच में कौन कौन से हैं, ये हैं हमारे पास। तो इस सेट में कौन कौन से एलिमेंट आ जाएगा, बी सेट में हमारे पास आ जाएगा 0, 1, 2, 3 और 4, ये 5 एलिमेंट्स आ जाएंगे हमारे पास। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ये क्या कह रहा है, एक्स इज एन इंटीजर एंड एक्स स्क्वायर इज़ लेस देन इक्वल टू 4, एक्स स्क्वायर इज़ लेस देन इक्वल टू 4। एक्स स्क्वायर जो है वो क्या होना चाहिए, 4 या फिर 4 से छोटा होना चाहिए, और एक्स जो है उसने बोला है कि एक्स इंटीजर को बिलोंग कर रहा है। तो ठीक है, शुरू हो जाते हैं। तो पहले देखते हैं कि किसका किसका स्क्वायर, हमें ये बताना है एक्स के ऐसे वैल्यूज़ बताने हैं जिसका कि स्क्वायर करने पे 4 या फिर 4 से कम आए। तो 4 पहले देखते हैं, तो 4 किसके बराबर आए, 4 कब आएगा हमारे पास। तो 4 आ जाएगा जब एक्स का वैल्यू हम लोग 2 लेंगे और माइनस 2 लेंगे, तो 4 आ जाएगा हमारे पास। तब एक्स स्क्वायर जो होगा वो कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा हमारे पास। ओके, फिर क्या है हमारे पास, इंटीजर और लेना है हमें। तो जैसे एक्स इज इक्वल टू 1 लिया हमने, एक्स इक्वल टू 1 लिया, तो इसका स्क्वायर क्या होगा, इसका स्क्वायर जो होगा 1 होगा, और वो क्या है हमारे पास, इससे छोटा ही है, 4 या फिर 4 से छोटा ही है। फिर जैसे x का वैल्यू हम लोग और क्या ले सकते हैं, 0 ले सकते हैं, 0 लिया तो 0 पे क्या होगा, 0 का जो स्क्वायर होगा, अच्छा x का वैल्यू 1 और माइनस 1 दोनों आ जाएगा हमारे पास, एक्स स्क्वायर उसका 1 हो जाएगा। 0 का स्क्वायर क्या होगा हमारे पास, अगेन 0 होगा, तो ये भी हमारे पास आ जाएगा, इस सेट से बिलोंग करेगा। अब जैसे मान लेते हैं कि x का वैल्यू हमने 3 ले लिया, तो x का वैल्यू जब 3 लिया तो एक्स स्क्वायर जो है वो कितना हो जाएगा हमारे पास, 9 हो जाएगा। बट उसने बोला था कि 4 या फिर 4 से छोटा चाहिए, यानी कि ये हमारा इस सेट से बिलोंग नहीं करेगा। फिर आपको ये भी कह सकता है कि अगर हम मान लेते हैं कि x का वैल्यू 0.5 लेते हैं, 0.5 लेते हैं, तो इसका एक्स स्क्वायर जो होगा वो तो पॉइंट का 2.5 आएगा, और वो क्या है हमारे पास, वो तो 4 से छोटा ही है, तो फिर ये क्यों नहीं आएगा। तो ये नहीं आ सकता ना, क्योंकि x अलाउड नहीं है। x क्या बोला है उसने, कि x जो है वो हमारा इंटीजर होना चाहिए। तो अगर इंटीजर है तब तो ठीक है, नहीं है तो नहीं ले सकते। तो कौन कौन से एलिमेंट्स आ जाएंगे हमारे पास इस सी सेट में, सी सेट में आ जाएगा हमारे पास -2, -1, 0, 1 और 2, इस तरीके से आ जाएंगे हमारे पास। नेक्स्ट करते हैं हम लोग, एक्स इज़ अ लेटर इन द वर्ल्ड लॉयल, लॉयल LOYAL, ठीक है। तो डी सेट इजी है क्वेश्चन, कौन कौन सा आ जाएगा, L आ जाएगा, O आ जाएगा, Y आ जाएगा, फिर क्या आ जाएगा, A आ जाएगा। अब L जो है उसको तो लिखेंगे नहीं क्योंकि L को पहले लिख चुके हैं, तो ये 4 आ जाएंगे हमारे पास। फिफ्थ वन क्या देख रखा है, X इज़ अ मंथ ऑफ अ ईयर नॉट हैविंग 31 डेज, ठीक है। तो कौन कौन से जो है हमारे पास वो 31 डेज़ नहीं होते हैं, तो पहले सबको लिख लेते हैं, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। तो देख लेते हैं कि किस में कितने कितने दिन होते हैं, ठीक है। जनवरी में कितना दिन होता है, 31 होता है। फरवरी में कितना, 28 या फिर 29 होता है। मार्च में कितना होता है, 31 होता है। अप्रैल में कितना होता है, 30 होता है। मई में कितना होता है, 31 होता है। जून में कितना होता है हमारे पास, 30 होता है। जुलाई में कितना होता है, 31 होता है। इसमें भी कितना होता है, अगस्त में भी 31 होता है, इसमें 30 होता है, इसमें फिर से 31 होता है, इसमें 30 होता है, और इसमें फिर कितना होता है, 31 होता है। तो हमें कौन कौन सा नहीं चाहिए, कौन कौन सा नहीं चाहिए जिसमें कि 31 है, ये नहीं चाहिए, ये नहीं चाहिए। 31 जिसमें है वो हमें नहीं चाहिए, तो ये भी नहीं चाहिए, ये भी नहीं चाहिए, ये भी नहीं चाहिए, और ये भी नहीं चाहिए। तो रह कौन कौन सा गया, फरवरी, अप्रैल। तो इसका ई सेट में कौन कौन से एलिमेंट्स आ जाएंगे हमारे पास, फरवरी आ जाएगा, फरवरी आ जाएगा हमारे पास, अप्रैल आ जाएगा, ठीक है। फिर आ जाएगा हमारे पास जून, ठीक है। फिर आ जाएगा हमारे पास सितंबर, ठीक है। और फिर आ जाएगा हमारे पास नवंबर, ठीक है। ये 5 ऐसे होंगे जिसमें कि हमारे पास 31 डेज नहीं होते हैं। तो उसने यही कहा था कि जो कि 31 डेज जिसमें नहीं हो वो सेट है हमारे पास। एफ़ क्या हमारे पास, एक्स इज ए
कॉन्स्टेंट इन द इंग्लिश अल्फ़ाबेट विच प्रिसीड्स के। अब एक्चुअली प्रिसीड्स का मतलब क्या होगा हमारे पास, इससे पहले के या फिर इसके बाद के। एक मिनट हमको थोड़ा सा श्योर हो जाने दें। प्रिसीड्स यानी कि इसके पहले का चीज़ होता है, ठीक है, इसके पहले की बात कर रहे हैं। तो सिक्स्थ में पहले क्या करते हैं कि यहाँ से किसके बाद कर रहे हैं, के पहले। तो के से पहले तक के सारे लिख लो, ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे और के। तो के को प्रिसीड करने वाले ये सारे हुए। अब इसमें से हमें क्या लिखना है, कॉन्सोनेंट लिखना है। तो वॉवेल को हटा देते हैं, तो ए है, ई है, आई है, ये तीन है हमारे पास। बाकी जो बच गए वो हमारे उस सेट के एलिमेंट्स हो जाएंगे। तो कौन कौन से हो जाएंगे, बी हो जाएगा, सी हो जाएगा, डी हो जाएगा, एफ हो जाएगा, जी हो जाएगा, एच हो जाएगा और जे हो जाएगा। ये सारे एलिमेंट्स जो हैं उस सेट के, ये सारे उस सेट के एलिमेंट्स हो जाएंगे हमारे पास। ओके, फिर आते हैं क्वेश्चन नंबर सिक्स पे। क्वेश्चन नंबर सिक्स देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर सिक्स क्या कह रहा है, मैच इज द सेट ऑफ द लेफ्ट इन द रोस्टर फॉर्म विद द सेम सेट इन द राइट। अब 1, 2, 3, 6 है, ठीक है। एक काम करते हैं, राइट हैंड साइड से ज़्यादा ईजी होगा हमारे लिए करना। तो एक्स इज अ प्राइम नंबर एंड डिवीज़र ऑफ सिक्स। तो एक्स जो है वो एक प्राइम नंबर है और सिक्स का क्या है, डिवीज़र है। तो प्राइम नंबर कौन होगा, देखो सिक्स के डिवीज़र्स पहले देख लेते हैं। तो सिक्स के डिवीज़र 1, 2, 3 और 6 आएगा हमारे पास। अब वन तो ना तो प्राइम है ना कंपोजिट है, तो ये तो होगा नहीं हमारे पास। और सिक्स जो है वो कंपोजिट है, तो प्राइम कौन कौन सा रह गया, 2 और 3 रह गया। तो 2 और 3 किस में है, इसमें है। तो इसका ये जो होगा वो ए से जाके मिल जाएगा। ओके, फिर अगला है, एक्स इज एन ऑड नेचुरल नंबर लेस देन 10। तो ऑड नेचुरल नंबर कौन कौन सा हो जाएगा, 1 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 5 हो जाएगा, 7 हो जाएगा और 9 हो जाएगा। तो ये इसमें आ गया, तो ये जो है वो इससे जाके मिल जाएगा। ओके, फिर हमारे पास एक्स इज एन नेचुरल नंबर एंड डिवीजर ऑफ 6। तो ये जो पहला हमारा आया था वो हो जाएगा, यानी कि पहला वाला से, तो ये इससे आके मिल जाएगा। और मैथमेटिक्स जो है वो तो सीधा सीधा दिख रहा है, ये हो जाएगा वहाँ पर। तो ये हमारा पहला एक्सरसाइज जो है वो ख़त्म होता है। थैंक यू।